वॉच आर आज लॉन्च हो चुका है फाइनली 3500 रुपीज़ आपको फ्लिप करवा देने के लिए मिल जाएगा। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कंपेयर विवो वॉच एयर एंड रियलमी वॉच 2। रियलमी वॉच 2 भी आपको फ्लिप करवा 3500 रुपीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों के अंदर आपको 1 रुपया का भी गैपिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो कन्फ्यूजन आता है किसको बाय करना सही होगा, क्या फर्स्ट सेल में डिजो वॉच आर को बाय करना चाहे, सब कुछ आपको क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में। सो है गाइस, इट्स मी राजदीप एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एट फर्स्ट वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ इट फ्री फाइन। दोनों का डिजाइन आपको बिल्कुल अलग टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। जो रियलमी वॉच 2 है आपको थोड़ा स्क्वायर शेपिंग डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, एंड जो डिवो वॉच है आज लॉन्च हुआ है आपको राउंडेड शेपिंग का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा। साइज के बारे में बात करूँ तो ज़्यादा बिग डिस्प्ले का साइज आपको रियलमी वॉच 2 का देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट रियलमी वॉच 2 स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर आपको 1.4 इंचेस की नॉर्मल डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगा, कोई HD वगैरह या फिर AMOLED डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। 12 डेज की टोटल आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैटरी बैकअप भी मैं ठीक ठाक बोलूँगा, आप लोग इसको लंबा टाइम तक यूज़ कर सकते हो। आई रेटिंग की बात करूँ, IP68 की वाटर रेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्विमिंग के लिए तो यूज़ मत करना, बट नॉर्मल फ्लूइड बैकग्राउंड है या फिर बारिश के अंदर आपको यूज़ करना है तभी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 90 स्पोर्ट्स मोड आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। 100 प्लस के आसपास आपको वॉच फेसेस मिलेगा इसके अंदर। 150 हेल्थ केयर फीचर्स देखने के मिल जाएगा, लाइक हार्ट रेट मॉनिटरिंग एंड SpO2। एंड यही तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको शेयर किया। वो लास्ट पर 3500 रुपीज़ बेस्ट परफेक्ट स्मार्ट वॉच बोलूँगा, क्योंकि इसका अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो मेरे को ठीक ठाक लगा। तो बात करेंगे डिवो वॉच आर के बारे में। उसके पहले इफ़ यू आर न्यू इन माय यूट्यूब चैनल देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज इफ टाइप का कंटेंट इसी चैनल पे मैं रेगुलर आप सभी के लिए अपलोड करते रहता हूँ। एंड ऐसे वीडियो से आपका कुछ भी हेल्प हुआ हिट द लाइक बटन। सो लेट्स टॉक अबाउट डिवो वॉच आर स्पेसिफिकेशन। तो इसके अंदर आपको 1.3 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, तो काफ़ी सही लगा मेरे को ये चीज़। हाँ, तो रियलमी 5 का डिस्प्ले थोड़ा सा तो छोटा आपको मिलेगा ही, बट ज़्यादा छोटा नहीं मिलेगा। बट आपको इसी प्राइस सेगमेंट में AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगा। 12 डेज की आपको बैटरी बैकअप देखने के लिए मिल जाएगा। 110 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिलेगा, एडवांस्ड स्पोर्ट्स मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी स्पोर्ट्स चाहो आप इसको यूज़ करके ट्रैक कर सकते हो, तो कोई इश्यूज नहीं होगा। 150 प्लस स्टाइलिश आपको वॉच फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। हेल्थ रिलेटेड भी ढेर सारा आपको फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि रियलमी में मिलता था और सेम आपको इसके अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपको 5 mm की वाटर रेजिस्टेंट भी देखने के लिए मिल जाता है, मीन 50 मीटर डीप तक आप इसको पानी के अंदर लेके जा सकते हो, मीन्स इसको लेके आप स्विमिंग भी कर सकते हो, कोई इश्यूज वगैरह नहीं होगा। तो यही था दोनों का स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको कंपेयर करके बताया। आप बात करते हैं 3500 रुपीज़ के हिसाब से कौन सा बेनिफिट होगा, मतलब बेनिफिशियल होगा कौन सा होगा आपके लिए। तो मैं आप रिकमेंड करूँगा आपके लिए डिवो वॉच आर बेस्ट होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका अंदर तो डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, तो डिस्प्ले जस्ट थोड़ा सा छोटा है, 1.32 एंड 1.4 में ज़्यादा कुछ आपको एक्स्ट्रा डिमेंड डिफरेंस कुछ तो नहीं मिलेगा ज़्यादा आपको दोनों के अंदर। एंड उसके बाद इसका आपको AMOLED डिस्प्ले मिला डिवो वॉच आर के अंदर, जो कि एक पहला चीज़ है डिजो के अंदर। डिजो के अंदर राउंडर डिस्प्ले वॉच भी पहला वॉच है एंड AMOLED डिस्प्ले भी पहला वॉच है। उसके बाद स्पोर्ट्स मोड वगैरह एंड जो वॉच फेसेस है वो भी आपको इसके अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। वाटर रेटिंग भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है या 3500 रुपीज़ सेम प्राइस में जो आपको बेनिफिट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा आपको उसको ही बाई करना चाहिए। आई होप इन दिस वीडियो मेरे को नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड फिफ।